बस वर्कर्स को मैं यही गुजारिश करूंगा कि हमें बड़े दिनों के बाद कामयाबी हासिल हुई है और मुझे पता है कि आप वर्करों के साथ जाती हुई जब हमारे अपोजिशन वाले जीत जाते थे उनकी पिटाई करते थे, उनके घरों में जाके पटाखे डालते थे, उनके घरों को यहाँ तक आग लगाते थे, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है। हम नाम लेवाए जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह, उन्होंने हमें फतेह मक्का के टाइम पे अपना मतलब उसूल समझाया है। जब वो फतेह याब हुई उन्होंने अपने बड़े से बड़े दुश्मन को भी माफ़ किया और हमें भी माफ़ करना है। हमें किसी के खिलाफ कुछ नहीं कहना है, हमें हर एक को अपनाना है। हमें अगर किसी ने गाली दी है हमें उसको प्यार करना है, अगर किसी ने बुरा भला कहा है उसको बुरा भला नहीं कहना है। प्यार मोहब्बत के साथ हमें हर एक को अपने साथ चलाना है। खुशी का इजहार करें ज़रूर करेंगे आपने जो करना है, लेकिन वो अपने लिमिट में अपने दायरे में करेंगे, किसी को भड़काएंगे नहीं, कोई प्रोवोकेशन नहीं होगी। शुक्रिया, मैं अल्लाह का शुक्रिया करता हूँ, अपने लोगों का शुक्रिया करता हूँ, अपने वर्कर्स का शुक्रिया अदा करता हूँ, उन बहन भाइयों का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने एक वेव जनरेट की यहाँ बिजबाड़ा में, उन नौजवान बच्चों का शुक्रिया अदा करता हूँ, अपनी बेटियों का, बहनों का, माओं का, बुजुर्गों का और आप लोगों का सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। डॉक्टर बशीर वो तो आपके सामने मैं उनका भी शुक्रिया अदा करूंगा कि वो आए और हमारे इलाके में मेरे लोगों को जगाया, उनको प्रवोक किया। मैं उस लड़की का भी शुक्रिया अदा करूँगा। वो देखिए वो सबके लिए है, वो आपके लिए है, वो हम सबके लिए है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमें डिसएम्पावर किया गया, हमारी स्टेट के टुकड़े किए गए, ये पहली बार हुआ और इल्लीगल हुआ, ये कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं है। प्रमोशन दी जाती है, डिमोट नहीं किया जाता है, हमारी रियासत के हिस्से किए गए। अगर उन्होंने कहा तो सही कहा, उन्होंने गलत नहीं कहा। उसके लिए हमने स्ट्रगल करनी है, उसके लिए हमने लड़ना है, आपके लिए हमने लड़ना है। आपको जो तवक्कात है वो कैसे हम पूरा कर सकते हैं जब हमारे पास एक एम्पावर्ड स्टेट होगी, हमें जो स्पेशल हुकूक दिए गए वो छीने गए, वो किसी दूसरे मुल्क ने नहीं दिए थे, हमारे अपने कॉन्स्टिट्यूशन ने दिए थे। उसमें उसके लिए स्ट्रगल करनी है। गलत है ये, दे कॉल इट जेरी मैंडरिंग, ये अपने से यहाँ के हुकूमत साजी में रोड़ा अटकाने की कोशिश कर रहे, लेकिन ये नाकाम हो जाएंगे। आज इन्होंने देखा, इनको जवाब मिला, तो क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस भी होगा, जो भी मुनासिब होगा हम करेंगे।